हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस फर्स्ट टाइम मूवी के बारे में, जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी। तो मूवी की स्टार्ट में हम मिनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज में अपनी स्पीच दे रही थी। तो उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम मिनी की बर्थडे पार्टी को दिखाया जाता है। तो ये पार्टी मिनी की मम्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ काफ़ी सारे गेस्ट और फ्रेंड को बुलाया गया था। मिनी का बर्थडे केक आता है तो उसमें से मिनी निकलती है, जो बिल्कुल ओपन होती है। मिनी ने यह सब अपनी मम्मी की इंसल्ट करने के लिए किया था, क्योंकि डायना एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन वो प्रोड्यूसर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रोड्यूसर ने डायना को बहुत सारा पैसा दिया था ताकि वो उसके बच्चे को जन्म दे सके। इसके बाद मिनी का जन्म होता है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रोड्यूसर की मौत हो जाती है। डायना ने यह सब पैसे के लिए किया था, इसलिए वो बहुत बार ऐसी हरकतें कर रही थी। कुछ टाइम पहले ही डायना ने ऐसे ही पैसे की लालच में मार्टिन नाम के आदमी से शादी की थी। अगले दिन मिनी अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांगती है तो डायना उसे माफ़ कर देती है। तो मिनी को अलग अलग करने का शौक था, इसलिए वो रात को एस्कॉर्ट सर्विस ट्राई करने लगती है। इसके लिए वो जाती है तो सर्विस वाले उसको एक होटल में भेजते हैं। तो एक क्लाइंट के पास मिनी वहाँ पहुँच के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो उसके स्टेप फादर थे और वहाँ पे उसको देखती है। पर तभी मिनी ये चीज़ का फ़ायदा उठाने का सोचती है। अब मिनी अंदर जाके लाइट बंद करके अपने स्टेप फादर को आँख पे पट्टी बांध देती है और फिर गपागप करवाती है। उसके बाद वो वहाँ से निकलती है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी गाड़ी की चाबी होटल में ही रह गई है। मार्टिन उसको चाबी देने के लिए उसके पीछे आता है, तो वो वहाँ मिनी का फेस देख लेता है और हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो वहाँ से घर पर चला जाता है। इसके बाद हम मिनी को अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ देखते हैं। उसकी फ्रेंड को एक लड़का परेशान कर रहा था, तो मिनी बदला लेने के लिए उसका पेंटी उतारने लगती है। ये सब उसका मजाक बनते देख वो लड़का वहाँ से सॉरी बोल के भागने लगता है। उसके बाद मार्टिन मिनी के साथ बात करने लगता है। वो बोलता है कि उसका रियल फादर होता तो उसे बहुत ख्याल रखता, लेकिन उसने तो मिनी के साथ कुछ और ही किया। ये सुनकर मिनी मार्टिन को सीड्यूस करने लगती है, तो तभी ये लोग गपागप करने लगते हैं। इसके बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और ऐसे ही ये लोग कई बार गपागप करने लगते हैं। एक दिन मार्टिन मिनी के रूम में था तो डायना उसकी आवाज़ सुन लेती है, लेकिन उसको लगता है कि मिनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, इसलिए मिनी को बोलती है कि काम ख़त्म होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को पीछे के रास्ते से भगा देना। वहीं कुछ महीने के बाद मार्टिन अपने इस रिलेशनशिप में सीरियस हो जाता है, तो मार्टिन कहता है कि अब वो डायना के साथ नहीं रह सकता। मिनी उसे डायना को अपने रास्ते से हटाने को बोलती है, जहां वो डायना को कुछ मेडिसिन खिला के पागल करके मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की बात कर रही थी। मार्टिन भी ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। तो मिनी अपनी स्कूल में से फार्मा से मेडिसिन चुरा लेती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे डायना को देती है ताकि वो पागल हो जाए। साथ में वो डायना के साथ अजीब हरकतें भी करते हैं ताकि वो परेशान रहने लगे। उसके बाद एक रात में पार्टी होती है तो उसमें भी मिनी उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे वो गुस्सा होती है और वहाँ आए हुए गेस्ट से फाइट करने लगती है। इसलिए सबको लगता है कि डायना की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है। अब डायना और भी परेशान रहने लगी थी। एक रात डायना और मार्टिन कॉस्ट्यूम बदलकर डायना के पीछे चाकू लेके पड़ जाते हैं। इससे डायना काफ़ी डर जाती है तो रूम में भागकर लॉक कर लेती है। इसके बाद मिनी और मार्टिन डिनर में चले जाते हैं, लेकिन वापस आके देखते हैं तो डायना ने काफ़ी सारी स्लीपिंग की गोली ले रखी थी। मार्टिन एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, तभी मिनी उसको मना करती है। वो ऐसा चाहती थी कि डायना मर जाए। मार्टिन पहले सोचता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है, क्योंकि ऐसा होगा तो उसकी आधी प्रॉपर्टी बच जाएगी, क्योंकि डायना को डाइवोर्स देता है तो उसको आधी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। पर वहाँ यहाँ डायना को मारने में समय लगने वाला था, इसलिए वो डायना को गाड़ी में बैठाकर उसका जो साइलेंसर है उसको बंद कर देते हैं। गाड़ी का धुआं गाड़ी के अंदर रहने से डायना की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और पुलिस आ जाती है। ये देख के मार्टिन और मिनी नाटक करने लगते हैं। फिर पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन करता है और पूछता है कि क्या सच में ये एक सुसाइड था या फिर ये सब। इंक्वायरी होने से मार्टिन डर जाता है और तो मिनी को उसे समझाती है कि पुलिस खाली उसे डरा रहा था। इसके बाद मार्टिन और मिनी वहाँ पे गपागप करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में बहुत करीब थे तो उन्हें उनका नेबर माइक देख लेता है। माइक किसी को बताना दे तो मार्टिन परेशान हो जाता है, पर तभी मिनी बोलती है कि वो नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो हम भी सबको बता देंगे कि वो एक एस्कॉर्ट के साथ मजे कर रहा था। वही अगले दिन पुलिस आके फिर से इंक्वायरी करता है। मिनी पुलिस के बातों का जवाब देने लगती है तो मार्टिन आके उसे रोक देता है और वो बताता है कि आगे से उनका लॉयर आपको सब बता देगा।
तो पुलिस वहाँ से चला जाता है। तो मार्टिन मिनी पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसके एक गलत जवाब की वजह से डिटेक्टिव उसको पकड़ सकता है। मिनी भी इस बात से गुस्सा हो जाती है तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में एक क्लब में जाकर एक लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है। तो मार्टिन भी ये सब देख लेता है। फिर रात भर रुकने के बाद मिनी घर पे आ जाती है तो फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में दोनों का रिलेशन ख़राब हो जाता है। वहीं एक दिन मार्टिन ऑफिस में होता है तभी उसको एक फ़ोटो मिलता है जिसमें वो मिनी के साथ काफ़ी क्लोज था, जिससे वो फ़ोटो भेजने वाले का एड्रेस ट्रैक करता है। तो वो उनके नेबर माइक की ऑफिस का एड्रेस निकलता है। मार्टिन घर पे आकर ये सब मिनी को बताता है तो मिनी कन्फर्म करने के लिए माइक के पास जाती है, पर माइक उसे मना करता है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चल जाता है कि मिनी ने अपनी स्कूल से कुछ मेडिसिन चुराई थी। पुलिस मिनी से बात करता है तो मिनी झूठ बोलती है और कहती है कि उसकी मदर ने उसे ये सब दवाई लेने के लिए कहा था। इस चीज़ से पुलिस को और भी शक बढ़ जाता है। तो वो मिनी और मार्टिन को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पर इससे कुछ हाथ में नहीं लगता है। वहीं कुछ दिनों बाद मार्टिन के पास दूसरा फोटो आता है जिसमें मिनी और मार्टिन क्लोज थे। तो वो गुस्से को रोक नहीं पाता है और वो सीधा माइक के घर पे जाके उसे मारने लगता है। मार्टिन उसे मार डालता उससे पहले ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि मिनी ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था कॉल करके। तो पुलिस मार्टिन को अरेस्ट कर लेती है, साथ में वो डायना की मौत का दोषी भी ठहराया जाता है। अब कुछ दिन बाद मिनी मार्टिन से मिलने जाती है तो मार्टिन बोलता है कि अभी भी माइक के पास और फोटो हो सकते हैं, अगर वो कहे तो माइक को भी ठिकाने लगा सकता है। यह सुनकर मिनी बोलती है कि वो काफ़ी ना समझ है, वो अभी तक नहीं समझा कि वो सब मिनी का ही प्लान था, उसने ये सब काफ़ी पहले ही प्लान कर दिया था। मिनी को अलग अलग चीज़ें करने का काफ़ी पसंद था, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि ये इसे भी एक्सपीरियंस कर सके। मिनी ने अपने एक्सपीरियंस में कई सारी लाइफ में वो बर्बाद कर दी थी। फिर ये मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।